हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल की डेट में यहाँ पर दो तीन वीडियो यहाँ पर बनाई गई थी। ओके, तो यहाँ पर जाके एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात कर रहे थे, हम बात करने वाले कार ट्रेड के रिलेटेड। कार ट्रेड का देखिए, स्टॉक्स पर कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल की डेट में इसके रिजल्ट भी अनाउंस हुए थे, रात को मैंने इसके रिजल्ट पढ़े थे। तो किस तरीके के इसके रिजल्ट रहे, क्या हमें एग्जैक्टली करना चाहिए, क्या हमें इसे सेल कर देना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए कि हम यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में निकले। तो कुछ बातें हैं जिससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ पैरामीटर्स और देखेंगे जो निफ्टी और स्मॉल कैप और मिड कैप को हमें यहाँ पर दिखाती है। पर बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और जितना हो सके सपोर्ट करना है। और हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको चाहिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो नीचे लिंक नंबर दे रखा है, कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर आपको एक अच्छी राय ऐसे मार्केट में कि कौन सा बेस्ट स्टॉक आप यहाँ पर खरीदे, कौन सा स्टॉक्स यहाँ पर टाइम पे निकल जाए, वो सब चीज की जानकारी दी जाती है। प्लेलिस्ट पे गो थ्रू करिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है तो वो हम यहाँ पर आपके लिए मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। जैसे कि कल हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर अगर आपने देखी होगी तो मार्केट क्रैश, ये वीडियो मैंने यहाँ पर देखा, देख लो कहाँ बनेगा सबसे ज्यादा पैसा अगले महीने। और ये भी बताया था मार्केट क्रैश अगेन कल और होगी बाजार में तबाही। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल लिख दिया था कि कल और मार्केट में यहाँ पर गिरावट होगी। तो कल ही से मतलब क्या था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लग ही रहा था कि ये एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, प्लस में ये 50 DMA को टच कर सकता है। तो आज की डेट में ये 50 DMA के आसपास ही आता हुआ दिखाई दिया था। तो यही सारे अंदाजे और एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें स्पेकुलेशन, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो इनके पाइवट पॉइंट है, ये सब चीज इसी तरीके से डिसाइड होती है। यही चीजें हमें यहाँ पर बताती है कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी स्मॉल कैप, तो आपको सब समझ में आएगा निफ्टी स्मॉल कैप ने अगेन जो 2-3 दिन पहले ये लेवल था उसी लेवल के आसपास यहाँ पर आके आ, आ, आया नीचे आया और फिर ऊपर जाके यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी मिड कैप, तो निफ्टी मिड कैप में भी सेम इसी तरीके से शेयर यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई दिया, बट निफ्टी मिड कैप लास्ट तक यहाँ पर जाते जाते थोड़ा सा ही गिरावट के साथ बंद हुआ और एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अब क्या हो सकता है, अब अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऐसी ही गिरावट देखिए यहाँ पर भी होती हुई दिखाई दी थी, चीजें यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी, फिर 2-3 दिन इसी तरीके से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया और फिर ऊपर जाते हुए के यहाँ पर धीरे धीरे चीजें सही होती हुई दिखाई दी और एक अच्छा खासी रैली अगर हम बात करें 20 यहाँ पर 21 24 अगस्त से लेके कब तक बनती हुई नजर आई, 19 अक्टूबर तक, लगभग 1 महीने की सॉरी 1 से 1.5-2 महीने की ये रैली चलती हुई दिखाई दी। तो इसी तरीके से ये रैली दोबारा से लगभग जब एक कंटिन्यू होने को जा रही है, मंडे से आई थिंक एवरीथिंग वुड बी ओके और यहाँ पर चीजें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। पहला लेवल ये निकालेगी और इस बार जब हाई बनाएगी तो दोबारा यहाँ पर जो चीजें लगभग 13-14 हजार तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ स्टे इन्वेस्टेड, ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लॉस हो रहा है उसे थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पर वेट करें, चीजें अच्छी हो रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कंपनी के इतने ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कोई एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा देता है, कभी अगर हम बात करें उनके जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो बढ़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो शेयर का यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं बट रेवेन्यू इंक्रीज होती दिखाई दे रही है जो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। और बात करें खर्चे की, तो खर्चे कभी दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, तो कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर रिजल्ट में पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हम बात करें तो कार ट्रेड की हम बात करते हैं, कार ट्रेड यहाँ पर इसके कल रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया, तो इसके रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ पैरामीटर देखेंगे। तो आज की डेट में देखिए लगभग 55.71% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। आज के दिन में यहाँ पर लो लगाता हुआ दिखाई दिया 52 वीक 1155 का, हाई की बात करें 1618, तो काफी लोग 1618 पे भी अटके हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें इसके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पर हम चीजें देखें तो आपको पता चलेगी कि कंपनी, एक बार यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी में किसी तरीके का डेंट नहीं है, ओके। यहाँ पर
कंपनी के साथ हुआ क्या है, कंपनी एक तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप इसी तरीके से भागती भी है और गिरती भी है। अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू पहले दिया था तो कंपनी भाग भी रही थी, अभी रिजल्ट अच्छे नहीं आए, थोड़े से डाउन आया जो कि मैं अभी आप दिखाऊंगा, तो यहाँ पर गिरावट होती दिखाई दी। पी काफी महंगा यहाँ पर स्टॉक लगता है, आरओसी आरओई कुछ खास है नहीं, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेसिंग नहीं है। इसके अलावा 10 की फेस वैल्यू है, और यहाँ पर अगर बात करें इनकी कुछ सब्सिडरीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अगर आप रिजल्ट पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगी, एक बार रिजल्ट पे अगर आप जाएंगे तो इनके मार्जिन एंड एवरीथिंग यहाँ पर सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप सेल्स देखेंगे ना तो सेल्स आपको समझ में आएगी कि देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिवेन्यू रिवेन्यू और सेल्स यहाँ पर चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। ओके, यहाँ पर देखिए चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, सब चीज अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कि यहाँ पर देखेंगे 57, पिछले साल 57 करोड़ की सेल्स थी, अभी देखे तो 78, पिछले क्वार्टर में 53 थी, अभी 78। तो देखिए ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पर एक चीज देखे, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखे तो कंपनी 2 क्वार्टर से लगातार यहाँ पर घाटे में आ रही है। और एक्सपेंसेस में देखे तो यहाँ पर देखिए मेटेरियल कॉस्ट, कंपनी को मेटेरियल कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट तो घटती हुई नजर आ रही है, बट धीरे धीरे ये अगर और घटती हुई नजर आएगी तो बढ़िया पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये सब चीज होती हुई दिखाई देगी। तो हमें थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना होगा, और इसी की वजह से एक्सपेंसेस की वजह से क्या हुआ है, एक्सपेंसेस की वजह से हुआ ये है कि जो कंपनी एक साल पहले प्रॉफिट में थी 7 करोड़ के, वो लास्ट क्वार्टर 45 करोड़ के घाटे में थी, और अभी 38 करोड़ के घाटे में। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर घाटा कम होता हुआ दिखाई दिया है, और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी है। इसी की वजह से ईपीएस भी इसका जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो ओनली कंपनी यहाँ पर लिखते थे ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी, वो ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इसी वजह से थी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट घटती हुई नजर आ रही थी, मटेरियल कॉस्ट 0 थी, और अभी अब बात करें तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है और एम्प्लॉयज कॉस्ट यहाँ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर घाटा पेश करती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा अब करना क्या है वो अभी आगे बात करेंगे, बट अगर देखें तो कंपनी की कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर कुछ और पैरामीटर देखें, नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर कंपनी का घाटे में था धीरे धीरे यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, बट यहाँ पर अभी इस साल की बात करें तो इट कुड बी जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो पेंडेमिक भी था, इसकी वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह यहाँ पर बढ़ाई जा रही हो, यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेनिफिट के लिए किया जा रहा हो, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। और जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, बट वेरिएबल यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, तो अभी शायद ज्यादा है तो कल की डेट में शायद और कम हो सकता है, और यहाँ पर ये कंपनी अगले क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट पेश कर सकते हैं, और एक बार पॉजिटिव रिजल्ट पेश करे तो यहाँ पर शेयर फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा। तो शेयर बाजार का खेल ही यही है कि यहाँ पर पेशेंटली हमें वेट करना होता है, जब एक बार चीजें पेशेंटली वेट करते हैं कभी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आते हैं कभी बेकार आते हैं, फिर जब हम चीजों को थोड़ा सा टाइम देते हैं ना तो चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आती है। तो रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स देखिए कंटिन्यूटी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1638 करोड़ के रिजर्व्स है, 55 करोड़ की इनके पास बोरिंग भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 645 करोड़ का है, और जो भी पैसा आता है यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आरओई तो यहाँ पर आरओसी तो यहाँ पर अच्छी नहीं है अभी तक, बट एफआईआई की बात करें 16%, डीआईआई की बात करें 8%, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी अच्छा खासा यहाँ पर प्योर शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रमोटर्स नहीं है, प्रमोटर्स नहीं है, प्रमोटर्स नहीं है, तो काफी सारी कंपनीज है जिनमें प्रमोटर्स नहीं होते। तो ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ एचडीएफसी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो आपको समझ में आएगा कि प्रमोटर्स काफी जगह नहीं होते, बट यहाँ पर क्या होता है FIs और DIs और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, वो अपने आप में ही प्रमोटर्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर 75% की होल्डिंग देखे तो 75 में से अगर यहाँ पर ये आप काउंट करेंगे तो लगभग 33-34-50% तक की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास है, ज्यादा रिटेलर्स के पास है भी नहीं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली थोड़ी सी भी बात नहीं है कि प्रमोटर्स यहाँ पर है नहीं तो हम एग्जिट हो जाए। बट यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, यहाँ पर इनके रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी आपको पॉजिटिव चीजें पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है वो आपको पता चलेगी, एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे इनका एबिटा मार्जिन जो हम देखते हैं तो वो यहाँ पर बढ़ता हुआ मिलता है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। इसके बाद उनकी सेल्स अगर हम देखेंगे तो सेल्स बढ़ती हुई मिल रही है। यहाँ पर देखिए कार्ट्रेड रिसीव 35 मिलियन एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स, तो मतलब अलग से नए नए विजिटर्स यहाँ पर 34 मिलियन यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, जो कि 86% है यहाँ पर।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिस्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स लिस्टेड टू ऑक्शन, मतलब बेचने के लिए यहाँ पर लगभग नए जो कि 73% यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड और जो कि ये बेच चुके हैं 104% की यहाँ पर इसमें जंप हुई है एक साल के अंदर अंदर। यहाँ पर देखिए कार वाला अभी ऑब्जर्व विल डिलीवर अ वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड यूजर यूज कार एंड बाई कार इस तरीके की ये सर्विसेज दे रहा है। वी लॉन्च कार वाला अपसोर इन 9 सिटीज। तो धीरे धीरे ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं और ये इनकी जो एक ग्रोथ है ना धीरे धीरे ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये शायद और यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है कि 2025 में ये किस तरीके से होगा। और यहाँ पर यही चीज नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारी देखिए ये तो इनके सारे के सारे इनकी सब्सिडियरीज है एज वेल एज यहाँ पर देखिए तो ये कंपनी OEMs बैंक इंश्योरेंस फ्लीट। तो मतलब आप एक जगह यहाँ पर जाते हैं इनकी वेबसाइट पर जाने पर देखिए आप कार को अलग अलग कार से यहाँ पर देख सकते हैं, उनके पार्ट्स देख सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर बैंक से लोन हो जाता है, इंश्योरेंस से इनका इंश्योरेंस हो जाता है। ओके सब चीज यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है ओनली एक प्लेसेस पे। तो आपको जगह जगह भटकने की भी जरूरत नहीं होती और इस तरीके से दिखा रखा है कि किस तरीके से परसुइंग है 14 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है व्हीकल मार्केट में, द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से 2025 तक चीजें यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएंगी, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंटली वेट करना होगा और ये जितनी भी कंपनी है ये जितनी भी कंपनी है जो वही मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कार ट्रेड हो गया, जोमेटो हो गया, देवयानी हो गया और ये बड़े जो और आ रहे हैं पेटीएम हो गया, ये सारी की सारी कंपनी धीरे धीरे चल के पता चलेगी कि कितनी अच्छी खासी है। तो वैल्यूएशन बड़े बड़े लोग भी नहीं निकाल पा रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट देर करना पड़ेगा। ये लंबे रेस के घोड़े निकलेंगे, अभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बेस पे नहीं कह सकते, बट लंबे रेस के घोड़े आप बनेंगे तो यहाँ पर ये शायद अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। अब चार्ट की पैटर्न की बात करें तो देखिए एक अच्छे खासे RSI पे 30 के RSI पे सपोर्ट की बात करूं तो आज इसका जो लो बना था ना 1155 रुपए का, वो इसका यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मुझे नहीं लगता ज्यादा यहाँ पर शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के नंबर अच्छे खासे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कंपनी शायद रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाती हुई नजर आ रही है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक यहाँ पर शोल्डर बनाया, शोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर हेड बना के दोबारा जाके शोल्डर, इस तरीके से चीजें निकल सकती है या फिर इस तरीके से भी निकल सकती है। ये यहाँ पर इसने शोल्डर बनाया और ये एक बड़ा हेड बनाया फिर यहाँ पर, तो अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न भी बन सकते हैं, बट उसके बनने के लिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ये शेयर हमारा थोड़ा सा पेशेंट ले सकता है, इसलिए कहते हैं कि अपने जो अंडे होते हैं ना उन्हें अलग अलग बास्केट में रखिए, डोंट डोंट कीप ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ये भी कहा, ये एक वॉरेन बफेट की थ्योरी है, तो आपको कोट है सॉरी। तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी होगी कि अगर आपने सारा पैसा एक जगह लगा दिया होगा तो यहाँ पर आपका एक बार इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा खतरे में है, बट अगर किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ही कैन वेट ओवर हियर। अगर चीजें बेकार होती है तो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस होगा, मार्केट का काम है कि तो लॉस होना, बट दूसरे जो शेयर है उसके सपोर्ट देके ऊपर निकल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में जाएगा। तो इसलिए ये एक रिस्की बेट था जो यहाँ पर लिया भी गया था और चीजें यहाँ पर अच्छी खासी भागी भी थी, बट यहाँ पर फिर दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दी। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेट करेगा इसी प्राइस के आसपास, यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। चीजें जब इसके रिजल्ट आने वाले होंगे थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर जब ऊपर जाए तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक बार बेचने की कोशिश कर सकते हैं, बट अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये चीजें फिर दोबारा निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट सब चीज डिपेंड होगा। और मार्केट में यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पर सेलिंग आ रही है, क्योंकि सेलिंग क्यों आ रही है, नए नए IPO आ रहे हैं इस वजह से यहाँ पर सेलिंग आ रही है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो लोगों के पास पैसे कहाँ से आएगा, जो अपने शेयर है वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं, दिस इज द ओनली रीजन, और कोई यहाँ पर रीजन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो तीन रीजन का, एक तो नेगेटिव इसके रिजल्ट जो नेगेटिव बातें हुई दिखाई दी है, एज वेल एज यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में गिरावट, यही दो तीन रीजन है कि ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, बाकी एवरीथिंग इज ओके। थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा वेट, वेट तो ऑब्वियसली बात है करना ही पड़ेगा। ये आदत आप छोड़ दीजिए कि आपने आज पैसा डाला 2 दिन बाद यहाँ पर 20% के रिटर्न, या अभी पैसा डाला 1 महीने बाद डबल रिटर्न, तो ये मेंटेलिटी आप छोड़िए, ये बहुत हो गया। अब यहाँ पर सीरियस यहाँ पर बिजनेस होगा स्टॉक मार्केट का। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करना, शेयर करना, और हमारी सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप पे पिंग करना, इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।